हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GCET 2021 काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का GCET 2021 का जो काउंसलिंग है गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से आप काउंसलिंग के लिए जो गाइस रजिस्टर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी गई, उस लिंक पर क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं GCET 2021 काउंसलिंग स्टार्टेड रिजल्ट आउट। सिंपली आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दी गई, उस पर क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्टेड, क्लिक है टू रजिस्टर। तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक क्लिक है जो रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप आसानी से जो अपना यहाँ पे गाइस काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। तो सिंपली आपको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे, जब आप पूरी लॉगिंग नहीं लेते। फिर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूरे स्टेप्स दे दिए यहाँ पे। फिर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग जो यहाँ पे अपना जो रजिस्टर कर सकते हैं। इनके स्विगी को प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।